IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला अक्षर की कहानी। आज का हमारा अक्षर है ठ। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम ठ से ठेकेदार का ठेला। नमस्ते बच्चों। नमस्ते नमस्ते। अरे अरे अरे, ये क्या शोर शराबा मचा रखा है भाई? राजू ने मेरे पैर पर जूता ठोक दिया। जूता ठोक दिया? ओ बड़ी गलत बात है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई अब लड़ना झगड़ना बंद करो भाई, सब ठीक से गोल घेरा बनाएंगे ऐसे। इधर शाबाश, थोड़ा आगे हो जाओ तुम। हाँ शाबाश, बिल्कुल। तो ठ से ठीक, एकदम ठीक, कोई ठेलम ठेल नहीं। ठ से ठेलम ठेल। भैया आज कौन सी कहानी सुनाओगे? आज का हमारा अक्षर है ठ, और हमारी आज की कहानी का नाम है ठ से ठेकेदार का ठेला। ठ से ठेकेदार। ठ से ठेकेदार, बिल्कुल सही। ठ से ठीक। ठ से ठीक, वाह। तो बच्चों कहानी कुछ इस तरह से है, लेकिन पहले ये बताओ तुम कि शेर जंगल का क्या होता है? अरे वाह। लेकिन बच्चों मैं जो तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ उसमें भी एक शेर था, ठाकुर शेर सिंह। ठा से ठाकुर। वो जंगल का ठेकेदार था। हमारे मामा भी ठेकेदार है। अरे वाह, मामा जी ठेकेदार है, क्या बात है। ठा से ठेकेदार। वो जो ठाकुर शेर सिंह है ना, वो कहता था जंगल मेरा है, ये सारा जंगल मेरा है। वो जंगल के पेड़ कटवाकर बेच देता, हाथियों से पेड़ तोड़वाता। भैया पेड़ काटना बुरी बात होती है। हाँ? पेड़ नहीं काटने चाहिए। बिल्कुल सही कहा, पेड़ तो बिल्कुल नहीं काटने चाहिए। ऑक्सीजन देते हैं। हाँ, पेड़ में ऑक्सीजन देते हैं और हाँ, उससे पानी भी मिलता है। बिल्कुल, बारिश भी होती है, अच्छी सांस मिलती है हमें, ऑक्सीजन मिलती है। हमें तो पेड़ उगाना चाहिए। भैया अगर पेड़ काटेंगे तो हमें सांस नहीं मिलेगी। पेड़ बोएंगे तो उनको भी सांस मिलेगी। बिल्कुल सही कहा। पेड़ खाना, हाँ, खाना देते हैं, भोजन देते हैं। हम उनका पेड़ है। अरे वाह। तो बच्चों वो जंगल के पेड़ कटवाकर बेच देता, हाथियों से पेड़ तोड़वाता और कहता तोड़ो पेड़, हाथियों जल्दी जल्दी काम करो, सिर्फ बैठे बैठे गन्ना खाते रहते हो, केले खाते रहते हो, काम भी करो, तोड़ो पेड़। तो बच्चों इस तरह से जंगल छोटा होने लगा। पेड़ काट दिया इसलिए छोटा हो गया। हाँ, तभी छोटा हो गया। आती वाती गर्मी में बैठ। लेकिन बच्चों ठाकुर शेर सिंह मजे से अपनी गुफा महल की ठंडक में बैठता। हाँ, गुफा महल में गुफा थी ना, उसकी महल की तरह थी, सारे इंतजाम थे उसमें। हाँ, खाने पीने के, वहाँ पे ठंडक भी थी। ठा से ठंडक। अरे वाह क्या बात है। ठाकुर शेर सिंह मजे से अपने गुफा महल की ठंडक में बैठता, खूब खाता पीता। भाई काम तो वो कुछ करता नहीं था, लेकिन जंगल के सारे जानवरों से काम जरूर करवाता था और खुद ठाठ से रहता था। तो बच्चों ठा से ठंडा जूस। ठा से ठंडी आइसक्रीम। ठा से ठंडा पानी। भैया शेर सिंह किसी को खाना नहीं देता था, अपने आप खा लेता था। ऐसा था वो। भैया वो खाना नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? कितनी अच्छी बात बताई भाई निशांत ने, ये तो सबको मालूम होनी चाहिए। तो बच्चों ठा से ठाठ, ठा से ठंडक। तो बच्चों पता है सारे जानवर ठाकुर शेर सिंह से बहुत डरते थे। ठा से ठाकुर। आगे क्या हो रहा भैया? हाँ बताता हूँ बच्चा। हाँ, तो सभी डर कर उसे सलाम ठोकते, ठा से ठोकते। कैसे ठोकते? मैं गोलू बंदर ठाकुर शेर सिंह को सलाम करता हूँ, सलाम सलाम। मैं भालू ठाकुर शेर सिंह सलाम। मैं बिल्ली सलाम करता हूँ। मैं भालू सलाम करता हूँ। हाँ ठीक है, आप ज्यादा सलाम वलाम मत करो और जाके मेरी गुफा में काम करो, सफाई करो, जाओ सफाई करो मेरी गुफा में। चलो झाड़ू लगाओ, तुम मेरे
तो बच्चों जंगल में एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा खरगोश भी था। पता है उसका नाम क्या था? प्यारा खरगोश। प्यारा खरगोश तो था ही, लेकिन नाम था ठिंगू। क्या नाम था? वो बहुत ही ज्यादा निडर, बहादुर और साहसी था। ठिंगू खरगोश सबको समझाता, मेरी बात ध्यान से सुनो सब लोग, भाई सब मिलकर आगे आओ। ठेकेदार तो ठग है, ठग। अरे चोर है, चोर। तुम सब एक हो जाओ और ठाकुर को ठुकराओ, अलग कर दो, अकेला छोड़ दो उसे, तो ठाकुर शेर सिंह ठगी नहीं कर पाएगा, तुम्हें मूर्ख बनाकर खुद अमीर नहीं हो पाएगा, बेईमानी नहीं कर पाएगा। हाँ, बेईमानी नहीं कर पाएगा, सबसे फ्री में काम नहीं करवा पाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, वो सबसे फ्री में काम नहीं करवा पाएगा, सबको बुद्धू नहीं बना पाएगा, सबको बुद्धू नहीं बना पाएगा। हाँ तो बच्चों, ठा से ठिंगू, ठा से ठुकराओ, वाह, ठा से ठेकेदार, ठा से ठेकेदार, बिल्कुल सही, और ठा से ठग। भैया ठिंगू को उसे बोल, ये बोलने से उसे डंडी लगता था? नहीं लगता था बच्चा, बिल्कुल ही लगता था। अगर वो शेर उसकी पिटाई कर दे तो? अरे नहीं बच्चों, नहीं, ठिंगू बहुत निडर जो था, बहुत बहादुर जो था। ठेकेदार ने जब ठिंगू की ये बातें सुनी तो वो ठिटका, ठासे ठिटका, ठासे ठाकुर, ठासे ठंडा, ठासे ठिठुरन। जब ठाकुर शेर सिंह ने ठिंगू खरगोश की बातें सुनी तो पता है वो क्या बोला? क्या बोला भैया, क्या बोला? वो बोला, अब ये छोटा सा ठिंगू ऐसी बातें करता है, बेवकूफ है ये, उसे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। अरे इस ठेंगू को तो मैं यूं चुटकियों में ठीक कर दूंगा, चुटकियों में। इसका मतलब है मारना उसको। हाँ तो बस ठेंगू और ठेकेदार में तकरार यानी लड़ाई ठन गई, ठासे ठंड। भैया ठासे ठंड, ठासे ठंड। अब ठेकेदार ने दरबार लगाया और ठिंगू को पकड़वा कर अपने पास बुलाया और बोला, ए हाथी जाओ और उस ठिंगू को पकड़कर इस दरबार में उपस्थित करो, जाओ। अभी जाता हूँ। अरे वाह। हाथी के साथ साथ भेड़िया, लोमड़ी, गीदड़ सब गए और ठिंगू को पकड़कर दरबार में पेश किया। सारा दरबार ठसा ठस भर गया था। भैया ठसा ठस, ठसा ठस, बिल्कुल सही। उन्हें पिटाई का डर लगा होगा। हाँ बिल्कुल सही, पिटाई का डर लगा होगा। सारे जानवर बहुत डर गए थे अंदर से, पता नहीं अब क्या होगा। तो बच्चों सब सोचने लगे, अरे अब क्या करें भाई, ये ठिंगू तो फंस गया। हाँ भाई फंस तो गया, पर ठिंगू ठाकुर शेर सिंह से जरा भी नहीं डरा। और पता बच्चों ठाकुर शेर सिंह ने क्या कहा ठिंगू से? क्या कहा? ए ठिंगू, इस जंगल में मेरी ठकुराई चलती है, मेरी ठेकेदारी चलती है यहाँ पर। मैं यहाँ कर आ जाऊँ, मैं तेरा बाजा बजा दूंगा, मैं तेरा बैंड बाजा बजा दूंगा, अब आगे भी तो सुन लो बच्चों, नहीं तो शेर सिंह को गुस्सा आ जाएगा। अब सुनो ठाकुर शेर सिंह ने ठिंगू से क्या कहा। ए ठिंगू सुन लो ध्यान से, तुझे भी सबकी तरह मुझसे डर कर मेरी ठोकर में रहना होगा, नहीं तो जंगल छोड़कर कहीं और ठौर ठिकाना यानी रहने की कोई और जगह ढूंढनी होगी, समझा कि नहीं? मुझसे लड़ना कोई हंसी ठिठोली नहीं है ठिंगू। हाँ, सुधर जा ठिंगू, सुधर जा, नहीं तो ठासे ठिंगू, ठासे ठिठोली, ठासे ठोकर, ठासे ठोकर, ठासे ठौर ठिकाना, भैया ठासे ठक ठक, ठासे ठक ठक। तो बच्चों सारे जानवर तो डर गए, पर ठिंगू, ठिंगू बिल्कुल भी नहीं डरा। ठिंगू बोला, क्या तुम सबको मूर्ख बनाते हो ठेकेदार जी, हैं? क्या तुम सबको ठगते हो? अरे हम तो मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, और तुम अपना ही घर भरने में लगे रहते हो। अरे तुम तो ठाट से मजे से
अपनी गुफा महल की ठंडक में रहते हो और हम गर्मी में तपते हैं और ठंडक में ठिठुरते हैं। भैया ठा से ठिठुरना, ठा से ठिठुरना, भैया ठा से ठाट, ठा से ठाट, ठा से ठगते, ठा से ठगते। जोरदार तालियां इसी बात पर। और ठेंगू पता आगे क्या बोला? ठाकुर शेर सिंह, तुम तो ठूस ठूस कर खाते हो और हमें ठेंगा दिखाते हो, हैं? भैया ठा से ठेंगा, भैया ठा से ठूस, ठा से ठेंगा, ठा से ठूस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ तो बच्चों, खरगोश बोला, तो सुन लो ठाकुर शेर सिंह, अब ये ठट्ठेबाजी छोड़ो। ठा से ठट्ठेबाजी। हाँ तो सुन लो ठाकुर शेर सिंह, अब ये ठट्ठेबाजी छोड़ो, मेहनत करो। अरे तुमसे ज्यादा काबिल तो मजदूर, किसान, कुम्हार और ठटेरा है। बड़े आए ठेकेदार। भैया ठठेरा। तो नन्हे ठिंगू की ऐसी निडर बातें सुनकर सभी जानवरों में भी जोश आ गया। सब मिलकर एक हो गए और उन्होंने ठेकेदार ठाकुर शेर सिंह को अकेला छोड़ दिया, उसका काम करना बंद कर दिया, उसका हुक्म मानना, सलाम ठोकना, सब कुछ बंद कर दिया। जानवरों की मदद से वो खा भी नहीं पाता। हाँ, अरे अब तो ठाकुर शेर सिंह भूखा, कमजोर और अकेला पड़ गया। अब उसे समझ में आ गया कि बिना मेहनत किए वो जिंदा नहीं रह सकता। तो उसने पता है क्या करना शुरू कर दिया? अब वो फल सब्जी बेचने लगा। हाँ, वो ठेला खींचता और आवाज लगाता, आलू ले लो, बैंगन ले लो, मूली ले लो, टमाटर ले लो, आम ले लो, पपीता ले लो, केला ले लो। फिर जंगल में मेला लगा और बच्चों सबने देखा कि अब ठेकेदार, जो अब ठेकेदार नहीं रहा था, वो भी ठेला खींचकर मेहनत करके फल सब्जी बेच रहा था। ठेला ठेला। सब खुश हुए, सब ठुमक ठुमक कर नाचे, ठुमक ठुमक, ठा से ठुमक ठुमक, सभी खुश हुए। क्या देखकर? ठेकेदार का ठेला, 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 ठेकेदार का ठेला। एक था ठाकुर शेर सिंह, जंगल का ठेकेदार। एक था ठाकुर शेर सिंह, जंगल का ठेकेदार। डर कर सभी सलाम ठोकते जब लगे दरबार। ठाकुर शेर सिंह की जय, ठाकुर शेर सिंह की जय। डर कर सभी सलाम ठोकते जब लगे दरबार। ठा से ठाकुर ठोकते और ठा से ठेकेदार, ठा से ठाकुर ठोकते और ठा से ठेकेदार। निडर बड़ा खरगोश तठिंगू कहे के आगे आओ, ठेकेदार तो ठग गया भैया, तुम उसे ठुकराओ। ठा से ठिंगू ठेकेदार, ठग और ठा से ठुकराओ, ठा से ठिंगू ठेकेदार, ठग और ठा से ठुकराओ। की बातें सुन के ठिठका तब ठेकेदार, ठीक करूंगा ठिंगू को। ठिंगू की बातें सुन के ठिठका तब ठेकेदार, ठीक करूंगा ठिंगू को और ठन गई तकरार। ठा से ठिंगू ठीक ठिठका, ठा से ठेकेदार, ठा से ठिंगू ठीक ठिठका, ठा से ठेकेदार। पकड़ बुलाया ठेकेदार ने, लगा के ठिंगू गया फस। ठेलम ठेल थी जानवरों की, था दरबार ठसा ठस। ठा से ठेकेदार ठिंगू, ठेलम ठेल ठसा ठस, ठा से ठेकेदार ठिंगू, ठेलम ठेल ठसा ठस। ठेकेदार ठहका मार के बोला, बंद कर अपनी बोली, मेरी ठकुराई से लड़ना नहीं है हंसी ठिठोली। ठा से ठेकेदार ठहाका, ठकुराई ठिठोली, ठा से ठेकेदार ठहाका, ठकुराई ठिठोली। ये मेरा जंगल है,
सबको मेरी ठोकर में है आना, डर ले मुझसे ठेंगू या ढूंढ ले कहीं और ठौर ठिकाना। ठसे होता ठोकर ठिंगू ठसे ठौर ठिकाना, ठसे होता ठोकर ठिंगू ठसे ठौर ठिकाना। ठठा मार के बोला ठिंगू तुम हो मूर्ख बनाते, हम मेहनत करते तुम अपना ही घर भरते जाते, तुम तो जीते ठाट से ठंडक से हम तो ठिठुराते, ठूस ठूस के खाते तुम हमको ठेंगा दिखलाते, ठसे ठठा ठंडक ठूस ठेंगा और ठिठुराते, ठसे ठठा ठंडक ठूस ठेंगा और ठिठुराते। बैठे ठाले ठठे बाजी ठाठ हुआ बहुतेरा, ठाठ हुआ बहुतेरा, तुमसे ज्यादा काबिल है मजदूर कुम्हार ठठेरा, मजदूर कुम्हार ठठेरा, मजदूर कुम्हार ठठेरा। ठसे ठाले ठठे बाजी ठाठ और ठठेरा, ठसे ठाले ठठे बाजी ठाठ और ठठेरा। एक हुए सब निडर जानवर ठेकेदार अकेला, ठेकेदार अकेला, लगा के ठेला बेचे सब्जी फल आलू और केला, फल आलू और केला। थुमक थुमक के नाचे सब मिल जंगल में था मेला, खुश सभी होते थे देख के ठेकेदार का ठेला, ठेकेदार का ठेला। हाँ जी, ठेकेदार का ठेला, ठेकेदार का ठेला। से ठेकेदार का ठेला। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम भाषा परामर्श डॉक्टर नीलकंठ कुमार, भाषा शिक्षा विभाग NCERT, कलाकार प्रवीण शर्मा, बाल कलाकार लवीश, नमन, निशांत, चारू, नीरू, मौलिक, हृदय और सोफिया, संगीतकार हरभजन सिंह, गायन स्वर मंजीत सिंह, रक्षित, आभा, मेघा, खुशबू, ममता और आरुषि, ध्वनि अंकन बटी लैंगलिंगडो, आलेख, गीत, निर्माण, निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।